स्टार्ट करें मैम मैडम कोस्ट बना दीजिए मैडम गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा कोटि कोटि आत्म प्रणाम अर्जुन जी को कोटि कोटि आत्म प्रणाम वेद व्यास भगवान जी कोटि कोटि प्रणाम श्री गणेश जी को कोटी कोटी आत्म प्रणाम गीता माता को आत्मप्रणाम इस धरती पर भगवत गीता का उद्धार करने वाले अर्ध और आंतरिक बताने वाले इस पर बहुत सारा अपना ज्ञान प्रचार करने वाले सारे मास्टर्स को मेरी हृदय पूर्वक आत्मवंदन और कृतज्ञता ओके okay, मास्टर्स हम श्रीमद् भगवत गीता दूसरा अध्याय सांख्य योग के बारे में बात अपनी चर्चा जैसे कि सत्संग हो रही है सांख्य योग का ये आठ आठवा सेशन है गीता का अध्ययन कर रहे हैं हम। हम तक कि कर्मयोग निष्काम कर्मयोग के बारे में कृष्ण परमात्मा कहते हुए अर्जुन जी का अर्जुन विषाद योग में जो भी प्रश्न थे सारे प्रश्नों का सारे दुदाओं का अ, सारे अ, क्या कहते हैं आ, उनका जो भी विषाद था उस विषाद का समाधान दे दिया था यह सब कुछ सुनने के बाद बहुत अच्छी तरह सुनते रहते हैं अर्जुन जी सिर्फ सुनना ही नहीं जो उनकी जहन में आती है सुनते सुनते ही समझने भी लगते हैं समझने पर भी अपना श्रद्धा रखते हैं। समझते समझते उनके अंदर बहुत सारे प्रश्न उठते हैं नए प्रश्न पहले प्रश्न ये था कि मृत्यु का डर न, मेरे वजह से सब कुछ हो जाएगा आ, इसके वजह से कीर्ति मतलब इस दुनिया में मुझे इस दुनिया में मैं एक पापी जैसा रह जाऊंगा मृत्यु के बाद भी अनंत काल तक लोक में रहने पड़ेगा ऐसा उनका बहुत सारे प्रश्न थे और दुविधा था उन सबको समाधान दे दिया आत्मा के बारे में बताकर सांख्य तत्व के बारे में बताकर स्वधर्म के बारे में बताकर कर्म सिद्धांत के बारे में बताकर मतलब ज्ञान योग की दृष्टि से और कर्म योग के दृष्टि से दोनों तरफ से जो ज्ञान अर्जुन जी को चाहिए था सच्चाई का विश्व का ज्ञान परमात्मा का ज्ञान जो भी आ, असली वाली है जो आ, इस विश्व का मूलाधार मूल है जैसे कि एक बिल्डिंग का आ, पुनादी जो धरती के अंदर करते हैं ना कंस्ट्रक्शन उसके आधार ही ये पूरा बिल्डिंग खड़े रहती है वैसा जो इस मानव जन्म या मानवता का जो बेस है उसके बारे में सब कुछ जो जैसा है वैसा बता दिया गया था सब कुछ सुनने के बाद अर्जुन जी के मन के अंदर एक प्रश्न उठा था, था। यह है फिफ्टी फोर सॉरी फिफ्टी थ्री नो फिफ्टी थ्री तक हमने अध्ययन किया था अभी फिफ्टी फोर अर्जुन उचा सांख्योगिफ्टी फोर श्लोक में श्लोक के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे ठीक है अर्जुन उचा मतलब अर्जुन ने बोला हे केशव समा समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है समाधि में स्थित समाधि में स्थित पुरुष परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है क्या न, स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है कैसे बैठता है और कैसे चलता है स्थिर बुद्धि स्थित प्रज्ञ स्थिर बुद्धि मतलब स्थित प्रज्ञ स्थित प्रज्ञ के ये स्थित प्रज्ञ कैसा हुआ देखिए समा समाधि में स्थित जो व्यक्ति समाधि में स्थित रहता है समाधि स्थिति में हमेशा रहता है वो परमात्मा को, को प्राप्त करता है वो परमात्मा को प्राप्त करता है परमात्मा को प्राप्त करना की मतलब क्या है परमात्मा के तत्व को पूरी तरह से समझा मतलब है पूरी तरह से समझा है उनके तौर तरीके सच्चाई और ये सब कुछ समझ गया क्यों समझ गया कैसे समझ गया क्योंकि वो समाधि स्थिति में है यहाँ समाधि स्थिति की मतलब धरती के अंदर ऐसा करते हैं ना वो नहीं समाधि यहाँ समाधि के मतलब है पतंजलि महर्षि का सूत्र अष्टांग योग का आखिरी पड़ाव यम नियम आसन प्राणायाम धारण प्रचुहार प्रचुहार धारण ध्यान समाधि समाधि जब हम ध्यान में रहते हैं ध्यान करते हैं तब हमको पता चलता है कि ध्यान क्या है धारण क्या है प्राणायाम क्या है आसन नियम यम नियम, नियम मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस नेक्स्ट प्राणायाम आसन नेक्स्ट आसन कहीं पे बैठना धीरे से सुख से बैठना फिर प्राणायाम श्वास पे ध्यान फिर धारण यही काम करते करते रहना ठीक है श्वास पे ध्यास हमको सोच विचार आते हैं आते ही रहते हैं उस सोच विचार को सोच विचार से अपने मन को फिर ध्यान में वापस लेके आना नेक्स्ट प्रचुहार जब ऐसा करते हैं कुछ दिन ध्यान करते समय ध्यान में आने से पहले 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 दिनों में हमको ऐसा ही होता है ना बैठते हैं सोच विचार आते हैं फिर श्वास पे द्यास फिर सोच विचार फिर श्वास पे द्यास फिर सोच विचार फिर श्वास पे द्यास ऐसा चलती रहती है चलते 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 कुछ ऐसा समय आता है कि हम ध्यान में ऐसा बैठते हैं बस पांच दस मिनट में हम अपने आप को जाते हैं जैसे कि नशा जैसा आता है नींद में चले जाते हैं गहरी नींद में जेले जाते हैं इस स्थिति को प्रचुपा प्रचुहार कहते हैं ठीक है जीके? प्रचुहार मतलब हमारी जीवात्मा हमारी शरीर को सुलाकर पूरी नशा में सुलाकर वो विश्वमय प्राण शक्ति को लेकर ले रही है प्रचुहार आहार को इनडायरेक्टली ले रही है हम शरीर को जो आहार चाहिए अपने हाथों से डायरेक्टली लेते हैं ये प्रचुहार है ठीक है इनडायरेक्टली आहार को लेना वो कर रही है क्योंकि इतने सालों से वो पूरी तरह से भूखी है उसको जो खाना चाहिए था जीवात्मा को जो खाना चाहिए था वो नहीं मिल रही है अभी मिल रही है अगर ये जग गई इसकी मन जग गई अगर ये जग गई तो इसकी मन जग जाएगी तो इसको सोला देते हैं मन भी सोई रहेगी मैं आहार ले सकता हूं ऐसा लेके जाए ले, लेती है ऐसा प्रत्युहार की स्थिति को भी पार करने के बाद सेवेंथ स्टेज है ध्यान ध्यान तब होती है उसके बाद होती है समाधि समाधि मतलब हम ध्यान में रहते हैं आजू बाजू के लोग या जो भी डिस्टर्बेंसेस है जो भी परिस्थिति है सबका पता हमें चलती है लेकिन हमारी ध्यान डिस्टर्ब नहीं होती हमारे अंदर इसका सोच विचार नहीं आते जो भी हो रही है वो हो रही है मेरा काम मैं कर रही हूँ अपनी परिस्थितियों का काम परिस्थिति कर रहे ऐसा समाधि मतलब समझना अपने काम करना जो आजूबाजू में हो रहे है, उसका प्रभाव अपने ऊपर ना होना ये समाधि है ये ध्यान में समाधि है ठीक है समाधि स्थिति मतलब उस एक्सपीरियंस को अपनी निजी जिंदगी में इंप्लीमेंट करना आचरण में न, रखना इसको समाधि स्थिति कहते हैं आंख खुलने के बाद अपनी जिंदगी में जाने के बाद कोई चिल्लाता है कोई वो मांगता है कोई ये मांगता है तुमने वो काम सही नहीं किया ये काम नहीं सही नहीं किया खाना अभी तक नहीं बनाया ये जल गई रोटी जल गई सब्जी जल गई ये क्या कर रहे हो ये साफ सफाई की क्यों नहीं हुआ ये तुमने अगर व्यापारी हो तो ग्राहक नहीं आए ये ये, ये एक्सपायर हो गए तो ये फेंक देना चाहिए अगर स्टूडेंट हो तो उसको ये पढ़ाई नहीं हुई ये पढ़ाई नहीं हुई ये सारा होमवर्क पेंडिंग हो गया ये सारा सब्जेक्ट अभी बाकी है ये सब कुछ में, मुझे आज ही करना है, इस सब कुछ का पढ़ाई आज ही खत्म करना है ऐसा होती है ना ये सब कुछ ध्यान से बैठने के उठने के बाद ये सारे सोच विचार घेर लेते हैं हमको हमारी मन को हमारी बुद्धि को घेर लेते हैं आ, आ, हम पर हावी होते हैं ये सारे परिस्थितियां परिस्थितियां जैसा भी हम पर हावी हो हम जो समाधि में एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस हुआ था, उस को यहाँ इंप्लीमेंट करना है उसे समाधि स्थिति कहते हैं हाँ परिस्थिति है परिस्थिति मुझे डिस्टर्ब कर रही है अच्छा बाबा ठीक है अंदर जीरो विचलित ना होकर जिसको कैसे डील करना है वैसे डील करते रहना जो काम पहले करना है वो काम में दृष्टि रखकर ऐसा करना इसको समाधि स्थिति कहते हैं जो अनुभव समाधि में हमको मिला उस अनुभव को निजी जीवन में ध्यान से बाहर आने के बाद उस अनुभव के जरिए अपने परिस्थितियों को समझना परिस्थिति हम पर ना हावी ना हो और हम परिस्थितियों को समझे ऐसा इस स्थिति को कहते हैं समाधि स्थिति जो परमात्मा को प्राप्त किया जो व्यक्ति परमात्मा के तत्व को समझा वो समाधि स्थिति में हमेशा रहता है मतलब अंदर जीरो और बाहर जो काम कर रहा है वो करते रहता है इसी का uh, समबुद्धि रूप निष्काम कर्मयोग का मतलब यही है ना इसी को कहते हैं ना उसका फल है समाधि स्थिति वो आचरण करते 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 हमारी स्थिति जो भी है हमारी निजी जिंदगी का परिस्थिति जो भी है हमें समझ में आती है जब परिस्थिति समझ में आए उसे लिपटना कौन सा बड़ा काम है है ना इसीलिए अंदर डर भाई, विचलित अः क्या करूँ कैसे करूँ ऐसा सोच विचार डराने वाले या धमकाने वाले सोच विचार कुछ भी नहीं होते अंदर जीरो और बाहर जीरो काम करते रहते हैं अपने लगे रहते हैं ये समाधि स्थिति की मतलब देखिए हे केशव समाधि स्थिति परमात्मा को प्राप्त हुआ हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का स्थित प्रज्ञ का लक्षण क्या है क्या लक्षण है फर्स्ट क्वेश्चन स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है उसका बोली कैसे होते हैं उसका कैसा बैठता है कैसे चलता है वो कैसा बोलता है कैसे बैठता है कैसे चलता है इसका मतलब क्या है तो मतलब यह है लक्षण क्या है क्यों पूछ रहे पहले इस ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हैं अर्जुन जी अर्जुन जी इसलिए पूछ रहे हैं कि वो ऐसा बनना चाहता है हमको ऐसा बनने की सलाह दे रहे हैं अगर हमें स्थिर बुद्धि में रहना है हमें समाधि स्थिति में रहना है परमात्मा के तत्व को सम, आ, सुन कर, समझ कर आचरण में रखना है तो हमें स्थिर बुद्धि पुरुष बनना है मतलब हमें प्रज्ञ बनना, बनना है तो मैं बन गया कि नहीं बन गया तो मेरे लक्षण से मुझे पता चलेगा यहाँ तो वो कैसा बोलता है मतलब उसका व्यवहार कैसा होता है समाज में उसका व्यवहार कैसा होता है कैसा यहाँ यहां बोलते मतलब उसका इमोशंस भावोद्वेग अपने भावोद्वेग को वो कैसा बैलेंस करता है जो व्यक्ति अपने भावोद्वेग को बैलेंस करता है उसका बोली बहुत सादी सी होती है सहज स्वभाव से बोलते हैं ना कि इमोशनल होके गुस्सा होकर चिड़चिड़ी होकर डर से ऐसा कुछ नहीं होते बस बैलेंस से बात करते हैं मतलब भावोद्वेग का समतुल्य उनका इमोशनल बैलेंस कैसा होता है उसका इमोशनल स्टेटस क्या है उसका बोल वो कैसा बोलता है इसका मतलब ये है उसका इमोशनल स्टेटस क्या है अपने अंदर का इमोशंस को कैसा बैलेंस करता है सेकंड क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन कैसा बैठता है मतलब उसका व्यवहार रीति कैसा है चलता है उसका इंडिविजुअलिटी कैसा है समाज में समाज में उसका व्यवहार रीत अपने आप से उसका उसका व्यवहार व्यवहार और समाज में उसका व्यवहार कैसा होता है? ये अर्जुन जी का प्रश्न था ये क्यों पूछा क्योंकि हमें वैसा बनना है प्रज्ञ बनने बनने से ही हम समाधि स्थिति में हमेशा इच एंड एवरी सेकेंड ट्वेंटी फोर बाई सेवन समाधि स्थिति में रहे तो परमात्मा के तत्व को समझ पाएंगे समझेंगे तभी ना बनने की प्रयास करेंगे तो स्थित प्रज्ञ बनना तो पड़ता है तो इसका समाधान एक प्रश्न एक श्लोक में चार प्रश्न पूछा अर्जुन जी ने इसके लिए भगवान ने 55 से शुरू करके 72 तक पूरे आ, 17, 17 स्लोकों में ये ज्ञान दिया गया था तक प्रज्ञ के लक्षण व्यवहार रीत अपने परिस्थितियों को कैसा समझता है जैसे परिस्थिति को जिन जिन परिस्थितियों को जैसे कैसे डील करता है अपने अंदर के इच्छा को अपने अंदर का इमोशंस को कैसे बैलेंस करता है बैलेंस करते बोलता है जो बोली उसके मुंह से बाहर आते हैं कैसे बोलता है पूछे ना जो बात वो कहता है वो बात अंदर से तैयार होकर अपने इमोशंस को बैलेंस करते हुए समझते हुए किसी और को मेरी बात के वजह से दर्द ना पहुंचे बाधा ना पहुंचे आ, पीड़ा ना पहुंचे ऐसा समझते हुए बोलता है वो कैसा पॉसिबल है इज इट पॉसिबल क्या ये मुमकिन है तो वो कैसा मुमकिन है ये अर्जुन जी का प्रश्न था ठीक है इसका बहुत बन, लंबा सफर है बहुत लंबा समाधान दिया गया था अच्छा ठीक है पहले प्रश्न का समाधान फिफ्टी वन फिफ्टी सॉरी फिफ्टी फाइव स्लोक नंबर फिफ्टी फाइव भगवान श्री भगवान बोले श्री भगवानुआछा कृष्ण परमात्मा कहने लगे शुरू हो गए श्री भगवान आछा श्री भगवान ने भगवान बोले हे अर्जुन जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है दिस इज द की पॉइंट आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है देखिए पूरा वो स्थित प्रज्ञ है ऐसा भी नहीं कह रहे हैं स्थित प्रज्ञ शब्द आया है यहाँ पे है ना पूरे समय वो स्थित प्रज्ञ है ऐसा नहीं कह रहे हैं जिस काल में जिस समय में वो आत्मा द्वारा आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है मन में स्थित कामनाओं को मतलब अपने जो भी इच्छाएं हैं उस इच्छाओं को समझकर और वो इच्छा क्यों आई है क्यों जगी है मेरी अंदर उससे कैसा उससे उससे मैं कैसा लिप्टू उसका मतलब क्या है इस इच्छा मेरे अंदर क्यों जगी है ऐसा समझकर आत्मा में आत्मा आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है उसे उस काल में इसका अर्ध देखते हैं संत तुष्ट। संतुष्ट मतलब क्या है सैटिस्फाइड सेटिस मिला है सेटिस्फैक्शन कब मिलती है तृप्ति कब मिलती है संतुष्टि कब मिलती है जब हमारी इच्छा पूरी हो तभी मिलती है इच्छा पूरा नहीं हो तब मिलती है क्या तृप्ति बाहर से हम उस इच्छा को दबा देते हैं लेकिन यहाँ पहले ही कहा गया था अंदर जीरो बाहर भी जीरो है ना अंदर जीरो बाहर जीरो कैसा मिलेगा कैसा रहेगा कैसा मुमकिन है संतुष्टि हो तब मुमकिन है यहाँ यह भी कहा गया था उस काल में मतलब जिस क्षण उसको अंदर मतलब एक साधक के अंदर मतलब अपने अंदर हम साधक बनना चाहते हैं हम अर्जुन बनना चाहते हैं हम स्थितप्रगति बनना चाहते हैं, है ना? तो अगर स्थितप्रगति बनना चाहते हो, तो आत्मा में, आत्मा से ही संतुष्ट रहता रहना चाहिए। वो कैसा पॉसिबल है? जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को, मतलब, फॉर एग्जांपल, मैं हूं ठीक है? मुझे इस समय मेरे मन में एक इच्छा जग गई मतलब एक इच्छा जग गई अभी सुबह का समय है तो नाश्ता में क्या खाऊं या मेरी आ, सोच में यह आया कि बहुत मक्खन मार के एक क्या कहे आलू पराठा आलू पराठा का एहसास जगा मन के अंदर ठीक है क्योंकि पेट खाली है जब पेट खाली होती है पहली इच्छा क्या होती है खाने का या कुछ मीठा खाने का या कुछ अच्छे वाला आम खाने का या जो भी हो खाने का इच्छा ठीक है खाने की इच्छा मेरे अंदर जग मैं अब क्या कर रही हूँ गीता का अध्ययन कर रही हूँ अब मैं क्या करूं? इस काल में क्या करूंगा वो इच्छा है वो मुझे उधर खींचता रहता है लेकिन यहां मैं क्या मुझे क्या करना चाहिए मैं कौन से काम में हूं गीता का अध्ययन कर रही हूं तो क्या करूं अब मैं क्या करूं अब तो मुझे अंदर और बाहर समाधि में रहू समाधि स्थिति में रहू तभी मैं इस गीता ज्ञान को समझ पाऊंगी जब तक मैं नहीं समझूंगी तब तक मैं समझा नहीं पाऊंगी ये जो कार्य है वो चलते ही रहना चाहिए जो इच्छा मेरे मन में आई है वो मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए यह स्थित प्रज्ञा का लक्षण है तो मुझे क्या करना चाहिए देखिए स्थिति संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है यहाँ नहीं नहीं अभी नहीं अभी ये बाहर रख दो आ, मैं आधा घंटे के बाद इसके बारे में सोचूंगी ऐसा अगर मैं अपने मन को समझाया क्या वो मेरी बात सुनेगी सुनेगी एक क्षण के लिए सुनेगी और दूसरी क्षण वही इच्छा मेरे अंदर जगाएगी तो क्या करू ऐसा जो भी खाना का मन हुआ वो खाना मैंने पहले भी खाई थी एक हफ्ते से पहले या दो हफ्ते से पहले या एक महीना पहले या पिछले दिन कल परसों खाई होगी उसका एहसास जब हम खाना खाते हैं वो अपनी मुंह में रखते हैं उसका स्वाद को अच्छी तरह पहचानते हैं आस्वादन पूरी इच्छा से खाते हैं है ना उसका स्वाद को पूरी तरह आजमाते हैं स्वाद को आजमाते आजमाते हुए उस खाने का मुलायम उसका मुलायमता या उसका नरम और वो मक्खन का स्वाद सब कुछ चकते 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 उसका एहसास करते करते अपने दांतों से चबाते वो खाते हैं मतलब अपनी जीव से ही उस खाने का एहसास हमको पूरी तरह मिल गई एहसास से ही आधा पेट भर जाती है इसीलिए साइंस में कहते कहते हैं हैं कि आ, दैजिशन, दैजिशन, मतलब क्या पाचन पाचन क्रिया अपने मुंह से शुरू होती है एहसास खाने का स्वाद का एहसास से ही शुरू होती है जब हम खाने का स्वाद को एहसास करते हैं ऑटोमेटिकली अपनी ब्रेन अपनी पेट को सिग्नल देती है हाँ खाना अंदर आ रही है तू अपनी तैयारी में रहना अपनी जो भी करना है वो और मिक्सिंग जो भी काम है वो करने के लिए तुम तैयार रहना ऐसा सिग्नल पहुंच जाती है और ये जो हमने उसका स्वाद का एहसास है वो एहसास अपनी मन में बैठ जाती है जो सच्ची मन से पूरा दिल से हम करेंगे वो एहसास कभी हमसे बाहर नहीं जाती ऐसा अपने आत्मा में रह जाती है पूरी इच्छा से अब जब हम एहसास वो एहसास अनुभूति में बदल जाती है अनुभव बन जाती है अनुभव को अनुभूति में बदल जाती है ये अनुभव अपनी जीवात्मा में बैठ जाती है जीवात्मा के जरिए आत्मा में बैठ जाती है रिकॉर्ड हो जाती है, इस क्षण अगर मुझे वो एहसास है और वो एहसास मुझे तड़पा रही है मैं अपने मन के अंदर ही अरे यार कल हमने कहा था कितना अच्छा था कितना स्वादिष्ट था वो एहसास को मैं दोहराऊंगी जो मेरी आत्मा में मेरी जीवात्मा में उस स्वाद का एहसास बहुत अच्छी तरह समा कर रखा है उस एहसास को मैं वापस आत्मा में आत्मा से संतुष्ट हो जाऊंगी अपनी जो अंदर इच्छा जगी है उस इच्छा को इस अनुभव देकर अरे यार ये तो पूरा हो गया वहां पे है उसको निकालो और उसको आस्वादन करो इसमें थोड़ा बड़ा बात क्या है बड़ी बात क्या है ऐसा संतुष्ट हो जाऊंगा आत्मा में आत्मा से संतुष्ट रहने वाला रहता है उस काल में, इस काल में में इस दोनों काम हो रही है ये अजिन हो रहे है। जो इच्छा इच्छा जग गई जो मन उसके मन को क्या चाहिए मन को खाना चाहिए क्या नहीं उसका एहसास चाहिए उसके अंदर जो एहसास जग गई उसको समाधान चाहिए तृप्ति चाहिए सेटिस्फेक्शन चाहिए वो तृप्ति हमने एहसास को एहसास से देकर खत्म कर दिया संतुष्ट करवा दिया का लक्षण ये है ये यहां एग्जाम्पल सिर्फ खाने का दिया सारे चीजों में ये मुमकिन है पढ़ाई में भी और कामकाज में भी और गुस्सा दर्द या किसी कोई कोई हमें डांट रहा है हम पर निंदा का आरोप लगा रहे हैं तब भी हम ऐसा संतुष्ट रह सकते उस काल में यहाँ देखिए काल का बहुत महत्व दिया मतलब हमेशा हमेशा वो ऐसा ही रहता है ऐसा नहीं कहा उस समय में एक्सक्यूज मी उस समय में मतलब एक एक क्षण हमारी अंदर ये जगती रहती है मन का सोच विचार हमेशा चालू रहते हैं है ना मन का सोच विचार हमेशा चालू रहते हैं तो हमेशा उस समय उस काल में जब वो जगा इच्छा जगा उस इच्छा को आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रह कर मतलब जो डेटा जो आस्वादन जो अनुभव ज्ञान हमारे अंदर हमने आस्वादन पूर्वक एहसास से भरपूर उस उस एहसास को उस आस्वादन को उस अनुभव को हमने अपनी अंदर समा कर रखा है उस अनुभव को उस आ, एहसास को बाहर निकालकर इस इच्छा को और उस एहसास को जोड़कर हम उस क्षण उस काल में संतुष्ट रह सकते हैं यह है का लक्षन। इस लक्षण इस की पॉइंट इस फॉर्मूला के वजह से वो हमेशा स्थित प्रज्ञ रहता है यह फॉर्मूला है स्थित प्रज्ञ का फॉर्मूला क्या है आत्म से आत्मा में ही संतुष्ट रहते हैं उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है उस समय मतलब वो समय कभी भी हो सकता है कहीं पे भी हो सकता है हर क्षण हो सकता है हर क्षण ईच एंड एवरी सेकेंड आत्मा से आत्मा में संतुष्ट रहने वाले को स्थित प्रज्ञ कहाया जाता है ये स्थित प्रज्ञा का लक्षण है फॉर्मूला है ठीक है फर्स्ट आंसर मिल गई ना अभी दूसरा प्रश्न दूसरा प्रश्न क्या था अर्जुन जी का कैसे बोलता है, है ना कैसे बोलता है मतलब अपने इच्छाओं को अपने जो भी मन में इच्छा है उस इच्छा को कैसे डील करता है डील करते करते अपने जो भी अगर वो इच्छा पूरा हुई या पूरी नहीं हुई जैसा भी हो वो बात वो अंदर का जो भी सोच विचार है जो भी स्थिति है उस स्थिति को अंदर ही सुलाकर सुलझाकर उस स्थिति को अंदर ही अंदर सुलझाकर फिर जीरो स्टेज में रहकर उस उसकी बोली कैसी होती है इमोशंस को कैसे बैलेंस करता है ये दूसरा प्रश्न है इस प्रश्न का तो बहुत लंबा बहुत बड़ा आंसर है बहुत लंबा सा आंसर दिया गया है और वो भी तीन तरह के तीन तरीकों से तीन तरह की आ, आंसर्स दिया गया है मतलब हमेशा सबका परिस्थिति ऐसा ही नहीं होती सबका स्थिति एक समान नहीं होती एक एक का स्थिति एक एक का अंतकरण एक एक परिस्थिति अलग अलग सी रहती है अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग सी समाधान अलग अलग सी राय अलग अलग की अलग सी सुलझाने की तरीका है ना तो अब कैस क्या समझा रहे हैं उस प्रश्न का समाधान फिफ्टी सिक्स ठीक है दुखे दुखों की प्राप्त होने पर दुखों की प्राप्त होने पर एक मिनट तो अभी फिफ्टी सिक्स देखिए दुखों की प्रति प्राप्ति सॉरी दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता जिसके मन में उद्वेग नहीं होता सुखों सुखों की प्राप्ति में जो सर्वधा निस्पृह है तथा जैसे जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो जा नष्ट हो, हो गए है ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है फिफ्टी फाइव फिफ्टी सिक्स फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है सेकेंड क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है फिफ्टी सिक्स एंड फिफ्टी सेवन ठीक है तो दुखेशु ये श्लोक ऐसा शुरू होती है दुखेशु मतलब दुखों की प्राप्ति होने पर जिसको जिसके मन में उद्वेग नहीं होता सुखों की प्राप्ति जो प्राप्ति में जो सर्वदा निष्पृह है सर्वदा निष्पृह है तथा जिसको जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो जाए हो गए नष्ट हो गए है ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है मतलब अगर स्थित प्रज्ञ रहना है तो बुद्धि में स्थिरत्व होना चाहिए मुनि मननशील कहते हैं यहाँ पे मननशील मुनि स्थिर बुद्धि मतलब अपनी बुद्धि में स्थिरत्व बुद्धि क्या है इस जन्म में जो भी हम सीख रहे हैं इस शरीर लेकर आकर जो भी हम सीख रहे हैं उसको बुद्धि कहते हैं ठीक है बुद्धि बुद्धि, बुद्धि स्थिर स्थिर वो बुध्धी रहना चाहिए, जैसे कि हमने इस जन्म में सीखा है कि ध्यान करने से शक्ति प्राप्त होती है शाकाहार बनना चाहिए क्योंकि हिंसा करने की कोई अधिकार नहीं है किसी प्राणी के प्राण लेने का अधिकार हमको नहीं है हमने सुना है सुनने के बाद वो उसमें कितना सच्चाई है हमने सोचा है सोचकर उसको कैसे अपने जिंदगी में आचरण में रखा है इम्प्लीमेंटेशन ठीक है इम्प्लीमेंटेशन किया है इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद अब अगर इस विषय में जैसे कि शाकाहार के विषय में कोई भी कोई बात कहे हमारे सामने आकर कुछ नॉन वेज के खाना या एग से बना हुआ केक भी हमारे सामने रखे तो क्या हम खाएंगे उस विषय में हमारा बुद्धि स्थिर है ना ऐसा स्थिर बुद्धि युक्त पुरुष हमेशा दुखों को भी समझता है सुखों को भी समझता है दुख आ गए तो दुखों की प्रति होने प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं जो नहीं होता दुख प्राप्त हुई तो उद्वेग बा, उद्वेग भरित नहीं बनता उद्वेग मतलब इमोशन भगवान मुझे क्यों आया ये क्या हो गया मेरी जिंदगी में ही ऐसा क्यों होता है क्यों हमेशा मुझे ही ऐसा स्थिति को आम, डील करना पड़ रहा है ये क्यों हो रहा है ये कैसा हो रहा है ये सब कुछ ऐसा सोच विचार नहीं होता उसके मन में अंदर मन के अंदर क्यों नहीं होता क्योंकि उसको सच्चाई पता है कौन से सच्चाई दुख के कारण मैं हूं सुख के कारण में हूं मेरे वास्तविकता का सृष्टिकर्ता में हूं आई एम द क्रिएटर ऑफ माई ओन रियालिटी वास्तविकता मतलब इस वास्तविकता को इस दुख को मैंने ही उत्पन्न किया है मेरे वजह से ही ये उत्पन्न हुआ है अगर मैं इस सच्चाई को मैं अपनाऊंगी तो उस दुख का प्रभाव मेरे ऊपर होगा सोचिए होगा क्या नहीं ना पहले मैं उसका कारण मैं हूं उसकी ऐसा स्वीकार करने से आधा दुख घट जाएगी दूसरी आधा आधा हिस्सा क्या है क्या करें इस दुख का जो भी वास्तविकता है वो देखने पर अपने आप को प्रयास करूंगे अपने आप को मैं कहूंगी मैंने किया है यह मेरी किया धरा है तो इसीलिए मुझे ये समस्या उत्पन्न हुई मेरी जिंदगी में ऐसा समस्या इसीलिए उत्पन्न हुई तो मेरी वजह से जो भी लोग ऐसा पीड़ित थे इस ऐसी दर्द से ऐसी दुख से अः झूंझ रहे थे मेरे वजह से मैं उनको क्षमा मांगूंगी उसी क्षण मन ही मन में क्षमा मांगूंगी उसके बाद कर्म ध्यान करके अपना दुष्कर्म देखने पर अपने आप को प्रयास करूंगी जो दुख का कारण है वो कारण मिटाएं तो दुख अपने आप मिट जाएगी लेकिन ये आई है इसकी वजह से आई है उसकी वजह से आई से ये इसका कारण वो है वो है ये है ये सा तरह तरह की सोच विचार के वजह से मैं विचलित हो जाऊंगी दुख आने पर उद्वेग नहीं होना सुख की प्राप्ति में ही जो सर्वथा निष्पृह हो मतलब मुझे सुख प्राप्त हुई निस्पृह सुख के प्राप्ति पर निस्पृह मतलब स्पृह नहीं है मतलब ये अरे या मुझे प्राप्त हुई ये मेरा है ये सुख मेरा है ये ये जेवर मेरा है ये साड़ी मेरा है ये उद्योग ये, ये जॉब मेरी है ये कॉलेज का सीट मेरा है ये व्यापार में ये इतना लाभ ये मेरा है ऐसा अपने आप को इसका कारण सिर्फ मैं ही हूं मैंने किया है ऐसा हद से ज्यादा खुश नहीं होता उस खुशी का कारण भी ढूंढता है उस खुशी, का कारण भी कर, अच्छा, किसी को खुशी दिया है मैंने खुशी को किसी को संतुष्ट किया है इसीलिए यह खुशी मुझे प्राप्त हुई है यह मेरा कर्म का फल है अच्छे कर्म का और इस जन्म में करने वाला इस कष्ट का और पिछले जन्म का सुकर्मा मतलब अच्छे कर्मों का फल है समझकर आ ठीक है ऐसा समझकर बैलेंस में रहता है ना कि सुपीरियर में सुपीरियारिटी में चले जाते हैं मतलब ना दुख के वजह से इंफीरियरिटी में चले जाते हैं सुख की वजह से सुपीरियरिटी में चले जाते हैं मध्य मार्ग में रहता है क्योंकि वो समझता है सुख की प्राप्ति हुई कि मतलब मैंने किसी को खुशी दिया किसी को सुख दिया सुख देना इसका मतलब सिर्फ उसको जो चाहे उसका मन को जैसे खुशी प्राप्त हो वो काम करना नहीं करना ही नहीं एक और है किसी को दर्द नहीं देना वो भी खुश दे खुशी देने का समान होता है इसके उसको वो ऑटोमेटिकली अपने आप पुण्य बन जाती है के रूप ले जाती है ठीक है तो वो भी समझता है दुख के समय अपने दर्द को कर्म के तौर पे, मतलब ज्ञान के तौर पे बदलना थोड़ा अः क्या कहते हैं प्रैक्टिस करने से हो जाती है लेकिन खुशी के समय खुशी ऐसा समय है कि हम अपने स्थिति से आ, सुपीरिय में चले जाते हैं भावुकता से भाव में रहकर, भावनाओं में बहक जाते हैं ऐसा बहने, बहकने से क्या गलती है कोई गलती नहीं है, ये है। ये नेचुरल भावनाओं में बहकना बह जाना नेचुरल है लेकिन कुछ समय बाद हमें फिर वापस आना है क्योंकि अगर ऐसा बहते बहते हम सुपीरियट में चले जाएंगे तो अपने आप को बहुत महान समझने जब हम महान समझने लगेंगे तब भी हमें पता नहीं चलता समझते समझते हम अहंकार में चले जाते हैं ठीक है समझते समझते अहंकार में चले जाते हैं ये इसका दुष्प्रभाव है ठीक है अहंकार में जाए तो ये नए कर्म करेंगे नए दुष्कर्म करेंगे इसीलिए खुशियों में बैलेंस और दुखों में भी बैलेंस ये दोनों करने वाला है स्थिर बुद्धि कहा जाता है अपनी बुद्धि में स्थिरत्व होना बहुत जरूरी है इस बुद्धि का स्थिरत्व की स्टेबिलिटी uh, बुद्धि में स्टेबिलिटी यही कारण होती है यही मेन uh, आइडेंटिटी यही मेन uh, क्या कहते हैं सूत्र मेन सॉल्यूशन uh, मतलब फॉर्मूला ठीक है फिफ्टी फाइव में कौन सा फॉर्मूला दिया गया था उस काल में उस काल में संतुष्टि रहना आत्मा से आत्मा द्वा आ, 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 आ. आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहना वहां का फॉर्मूला है अभी दूसरे प्रश्न का फॉर्मूला क्या है स्थिर बुद्धि स्ट्रांग बुद्धि बुद्धि में स्थिरत्व जो भी कहे जैसा भी कहे कितने लोग कहें पत्री जी आकर हमारे सामने रहकर सामने खड़ा होकर अरे यार ये मांस खा ले कोई बात नहीं मैं कह रहा हूं ना खा ऐसा कहने से भी नहीं सच सच ही है तत्व तत्व ही है मांसाहार मांसाहार ही है हिंसा का है हिंसा का खाना मैं नहीं खाऊंगा ऐसा स्थिरत्व क्योंकि ये ये हम अपनी बुद्धि में स्थिरत्व है कि नहीं कौन से कौन से एंगल्स में कौन से कौन से ज्ञान में हम स्थिर स्थिर में अपनी बुद्धि स्थिरत्व है स्थिरत्व में है कि नहीं हम कैसे चेक करें सपनों के जरिए मास्टर्स से पूछ सकते हैं मास्टर्स इस विषय में मेरा बुद्धि कितना स्टेबल है कितना स्थिर है ये भटक रही है ये झूंझ रही है या स्थिर है कठिन से मतलब स्टैंडर्डली कुछ कुछ विषय हम मान सुनते हैं मानते हैं लेकिन अपनाते नहीं है जो विषय हमने अपना या नहीं वो उस विषय में हमारा बुद्धि स्थिर नहीं होती ऐसा इम्बैलेंस रहती है उतल पुतल हो जाती है इसीलिए चेक करना चाहिए मास्टर्स को टेस्ट के लिए पूछना चाहिए जब टेस्ट के लिए पूछेंगे स्वयं जिनका बात हमारे लिए पर है, उस व्यक्ति के रूप में मास्टर्स आते हैं और हमसे वही काम करवाते हैं जो नहीं करना चाहिए करवाने पर तुले हो जाते हैं नहीं नहीं कर सकते हो कर सकते हो कोई बात नहीं कालो कालो नहीं करो 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 इसको डांटो इसको पीटो इसको मारो हमको हम कह रहे हमारे हाथ पर एक रिवॉल्वर देते हैं बड़ा सा गंदे थे मार दो ये सारे लोग ना शाकाहारी नहीं है शाकाहारी नहीं है मांसाहारी है इनको मार दो बंदूक से मार दो ये बात नहीं मान रहे ऐसा हमको टेस्ट करते हैं उस टेस्ट में हमारी बुद्धि कितना स्थिर है उसके आधार ही हम रिएक्ट करते हैं वहां पता चली जाती है कि हमारा बुद्धि स्थिर है कि नहीं ठीक है इसीलिए बुद्धि को स्थिर रखना स्ट्रांग रखना बहुत आवश्यक है ये कैसा होगा अनुभव से ही होगा मतलब इंप्लीमेंटेशन जो भी ज्ञान हमने सुना है जो भी बात हमने सुना है उस बात को मनन 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 देखिए यहां क्या क्या मुनि मननशील मनन करते रहना चाहिए ये गलत है तो गलत है डांटना गलत है निंदा आरोप लगाना गलत है किसी का दिल को दुखाना गलत है किसी का शरीर को बाधा पहुंचाना गलत है ऐसा सोच भी नहीं करना चाहिए ऐसा बात भी नहीं करना चाहिए ऐसा करतूत भी नहीं करना चाहिए करना नहीं चाहिए मतलब करना नहीं चाहिए ऐसा ध्यान में बैठ कर बाहर तो हम इस जागृत अवस्था में तो हम बहुत जागृतता से बहुत अवेयरनेस से डील करते हैं लेकिन स्वप्नावस्था में सुषुप्ति अवस्था में क्या ये पॉसिबल है नहीं तो इन दोनों अवस्थाओं में मतलब स्वप्न अवस्था और जागृत अवस्था इन दोनों स्थितियों में भी हमें ऐसा रहे रहेगा ध्यान आत्म साक्षात्कार ये, ये प्रोसेस है ज्ञान प्राप्त करने की फोर स्टेप्स है जो विज्ञान हमने सुना है उसे अपनी आत्मा में निक्षिप्त करने का ये चार स्टेप्स हैं श्रवण हमने सुना है मैम एक बार वापस चार स्टेप बोल दीजिए श्रवण मनन हाँ। हमने सुना है वो श्रवण है ठीक है जो हम जो पतंजलि कह रहे हैं सत्संग में कह रहे हैं जो हमारे आजुबाजे वाले लोग कह रहे हैं ये सब कुछ हमने सुना है सुनने का बाद बाद सुनने के बाद उस पर सोच विचार करना चाहिए कितना सही है ये बात कितना गलत है सोचना चाहिए अपनी से मतलब कॉमन सेंस से सोचना चाहिए सोचने के बाद आजमा लेना चाहिए मतलब अपने आप में एक टेस्ट करना चाहिए अपने आप को अच्छा ठीक है ये बात उन्होंने कहा ना वो कितना सच है मैं आजमाऊंगा इंप्लीमेंट करूंगा एक्सपेरिमेंट करूँगा पहले एक्सपेरिमेंट करते हैं ठीक है पहले एक्सपेरिमेंट करते हैं एक्सपेरिमेंट करने के बाद ठीक है एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमको उस बात में कितना सच्चाई है हमको पता ही चलता है अगर वो बात सच है आपको अच्छा लगा और आपको यह मैं शुरू करूंगा मैं अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करूंगा आचरण में रखूंगा तब करना है मनन मनन श्रवन मनन निधि ध्यासन निधि ध्यासन आत्म साक्षात्कार मनन निधि ध्यासन आत्म साक्षात्कार ठीक है? तो मनन मनन हम इस जागृत अवस्था में अपने आप को समझाते, समझाते, समझाते रहते, लेकिन और अवस्था में भी मनन कैसा होगा ध्यान के जरिए होगा जब हम ध्यान हमें जो बात अपने अंदर में भी बैठाना चाहते हैं तो उस बात को ध्यान में बैठकर कर आना पाना सती मेडिटेशन करते 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 पंच पांच मिनट दस मिनट पंद्रह मिनट बीस मिनट के बाद इस बात को याद करना चाहिए याद करके उस ध्यान स्थिति में दोहराना चाहिए प्राणी को मारना हिंसा है ये काम मुझे नहीं करना चाहिए ऐसा अपने अंदर दोहराना चाहिए इसको मनन कहते हैं तो वहां उस ध्यान स्थिति में कौन है जीवात्मा एक्टिव है उस जीवात्मा इस ज्ञान को सुनती है समझती है अपनाती है एक सिटिंग में एक क्षण में ये होने वाला काम नहीं है करते रहते करते रहने से करते रहने से ये जरूर होगा और कितना आगे हम चले गए या कितना इस बात हमारी समझ में आए, कैसे पता चले अपने अंदर मनन हुई या नहीं हुई कैसे पता चले एस्ट्रल टेस्ट के जरिए ड्रीम्स के जरिए हम पता कर सकते हैं क्वेश्चन भी हमारे पास समाधान भी हमारे पास प्रोसेस भी हमारे पास ये करेक्शन करने का एग्जाम हमने दिया पेपर कौन करेक्ट करेगा हमें करेक्ट करना है है ना हमें ही करेक्ट करना है वो पेपर हमारा खुद का एग्जाम का पेपर हम ही करेक्ट करेंगे वहां हम एग्जामिनर बन जाएंगे कैसे सपनों के जरिए सपनों में देखा फिर वापस जागृत अवस्था में आए तब हमें पता चले जाएगी पता चले ही जाएगी कि हम उस स्थिति तक मतलब मनन हुआ कि नहीं हुआ उस बात के उस बात तक उस ज्ञान तक मनन हुआ कि नहीं हमको पता चल जाता है पता चलने के बाद अगर वो सिद्ध हुआ तो ठीक है नहीं हुआ फिर मनन करेंगे ठीक है आ, सीखने वाला स्टूडेंट हम ही है परीक्षा देने वाला हम ही है उस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए कि नहीं हमारा पेपर कौन कर, कर करेगा करेक्शन करेगा हम भी ही करें ड्रीम्स के जरिए टेस्ट के जरिए और नंबर कौन देगा हम ही देंगे नंबर ठीक है? तो है तो फिर री एग्जामिनेशन हम ही करेंगे यहाँ एग्जामिनर स्टूडेंट टीचर करेक्शन करने वाला हाँ सब कुछ हम ही है खुद का उद्धार आत्मा का खुद का उद्धार ऐसा होता है श्रवण मनन निधि ध्यासन आत्म साक्षात्कार ड्रीम्स के जरिए वो भी अवस्था में आने वाले ड्रीम्स कर्म ध्यान ज्ञान ध्यान करने, वा, करने के बाद आने वाले सपने ही हमारे लिए एग्जाम्स है संदेश है और सब कुछ है ठीक है नेक्स्ट फिफ्टी सिक्स एंड फिफ्टी सेवन दोनों मिलकर है ठीक है अभी फिफ्टी सेवन जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ उस उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर ना प्रसन्न होता है और ना द्वेष करता है उसकी बुद्धि स्थिर है बुद्धि स्थिर है कैसा पता चलेगा है ना फिर बुद्धि प्राप्त करना चाहते हैं स्थिर बुद्धि प्राप्त करना चाहते लेकिन मैं स्थिर बुद्धि में हूं कि नहीं मुझे कैसा पता चलेगा अब तो हमारे पास ये टेक्निक है ड्रीम्स का टेक्निक है शुक्षिप्ती अवस्था में जाकर कर्म कर्मध्यान के जरिए ज्ञान ध्यान के जरिए सपनों के जरिए हम पता कर रहे लेकिन उस काल में जब ये ज्ञान दिया गया था तब तो यह टेक्निक नहीं था हम हमको यह टेक्निक मिला है तो उसके समय उस काल में कैसे पता करे कि हमारा बुद्धि स्थिर है जैसे कि जो पुरुष सर्वत्र नेह रहित हुआ स्नेह रहित हुआ उस उस शुभ या अशुभ एक मतलब ममता और आशक्ति मतलब जो भी प्राप्त हुआ उसको सुख प्राप्त हुआ या दुख प्राप्त हुआ उसके अंदर एक इच्छा जगी या नहीं जगी उसके प्रति उसका रिलेशन स्नेह प्राप्त मतलब वो अटैच हो रहा है या नहीं स्नेह प्राप्त के जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित स्नेह रहित मतलब ममता नहीं है और आशक्ति भी नहीं है उसके अंदर उस स्थिति के प्रति उस उस शुभ शुभ के प्रति ममता जो शुभ हुआ अच्छा हुआ उसके साथ उस पर अटैचमेंट अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर ना प्रसन्न ना प्रसन्न अशुभ अशुभ वस्तु जो मैंने नहीं चाहा शुभ वस्तु और अशुभ वस्तु देखिए शुभ वस्तु अशुभ वस्तु मतलब जो मैंने मांगा जो मैंने चाहा, मुझे खुशी दे वो वस्तु प्राप्त होने पर जो मैंने नहीं मांगा जो मुझे नहीं चाहिए वैसा प्राप्ति होने पर ना वो आ, ममता से है अटैचमेंट से है ना यहाँ डिटैचमेंट से है ए मुझे ने, मुझे ऐसा मैंने ये नहीं चाहा, लेकिन मुझे प्राप्त हुआ मुझे नहीं चाहिए ये मुझे कैसा हुआ ऐसा नेगेटिव फीलिंग नेगेटिव फीलिंग मतलब ना प्रसन्न नो no सैटिस्फेक्शन असंतृप्ति होता है और ना द्वेष करता है ना ही ना प्रसन्न होता है ना ही द्वेष करता है अशुभ व्यक्ति के अशुभ वस्तु के प्राप्त पर ना ही असंतुष्ट है ना ही अपने आप को द्वेष कर रहा है अपने आप को कोस रहा है शुभ वस्तु के प्राप्ति पर पूरा अटैचमेंट में नहीं जा रहा है समझ रहा है यह शुभ मुझे अः किस वजह से प्राप्त हुआ और यह अशुभ मुझे किस वजह से प्राप्त हुआ ऐसा समझकर मतलब शुभ पर ज्यादा खुशी मनाना अशुभ पर ज्यादा दर्द में जाना ऐसा नहीं कर रहे तो वो क्या है उसकी बुद्धि स्थिर है वो बुद्धि का स्थिरता प्राप्त किया है ये एक क्या कहते हैं एग्जामिनेशन जैसा टेस्ट है अपने आप का टेस्ट अगर ऐसा हम ऐसा भी सोच सकते हैं मतलब ऐसा एग्जाम्पल भी दे सकते हैं कि आ, जो मुझे नहीं चाहिए था जो मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए था वो मुझे मिला तो मैंने इसका इसका प्राप्त होने के वजह से ये ये मिलने के वजह से ये सिचुएशन मुझे बहुत ऐसा ना हो ऐसा ना हो ऐसा ना हो मैंने पूछ मैंने अपने आप में सोचा लेकिन वो मेरे सामने आकर प्रकट हुई तो मैं क्या करूंगा अरे यार मैंने नहीं पूछा लेकिन मुझे नहीं मुझे अंडे मतलब जिस स्थिति से हमें इच्छा नहीं है जो हमने नहीं चाहा वो मिलने पर भी एक्सेप्टेंस जो हमने चाहा वो मिलने पर भी एक्सेप्टेंस क्योंकि चाहने चाही हुई वस्तु अगर हमें प्राप्त हुई तो खुशी मिलती है वो उस क्षण का खुशी है उसे लेना है और उस वस्तु को अलग से रखना है अच्छा ठीक है ये दिया गया है अगर हमने चाह चाहने पे भी हमें नहीं मिला अच्छा ठीक है ये भी मेरे लिए ही है ये भी मेरे भलाई के लिए ही हुआ है ऐसा समझकर स्थिर बुद्धि बुद्धि में स्थिरत्व रहने वाला स्थित है ऐसा भी हम अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं लेकिन ऐसा टेस्ट में हमें नहीं पता अंदर से हम बैलेंस में है कि नहीं लेकिन ड्रीम्स के जरिए हमारी सच्चाई हमको दिख दिखाई पड़ती है दिखाते हैं तो पूरी तरह से हम पूरी शिद्दत से पूरी कॉन्फिडेंस से हम कह सकते हैं कि हम पास या फेल स्थिर बुद्धि में है कि नहीं है ठीक है पहला क्वेश्चन का आंसर था लक्षण स्थित प्रज्ञ का लक्षण आत्मा से आत्मा में संतुष्ट रहने वाला ठीक है दूसरा क्वेश्चन क्या क्वेश्चन क्या था कि उसका कैसे बोलता है वो कैसा बोलता है अपने इमोशंस को कैसे बैलेंस करके बात करता है जैसे कि वो अपनी बुद्धि में स्थिरत्व के वजह से ये सब कुछ मुमकिन है स्थिर बुद्धि खुशी और दुख चाहने वाला ना चाहने वाला ममता आसक्ति सारे सिचुएशंस में बुद्धि से बैलेंस्ड रहने की वजह से उसका बोली मीठी होती है ऐसा समझाया गया था ठीक है आज हम यहाँ रुकते हैं रोकते हैं और ये तीन श्लोक आज तो तीन ही हुए हैं पाँच चार चार फिफ्टी फोर क्वेश्चन फिफ्टी फाइव फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर फिफ्टी सिक्स और फिफ्टी सेवन सेकेंड क्वेश्चन का आंसर ठीक है अगले स्लो अगले सेशन में थैंक यू मास्टर्स थैंक यू फ्रेंड्स थैंक यू सो मच ये प्रैक्टिस करने के लिए हम अपने आप में सिद्ध हो जाते हैं और मास्टर्स से पूछते हैं मास्टर्स इस विषय में मेरा बुद्धि कितना स्थिर है मुझे दिखाइए ऐसा ध्यान करते हुए टेस्ट करने के लिए आ, मेरी राय मेरी समझ तक तो आप सब लोग ध्यान तो कर रहे हैं कर्म ध्यान या ज्ञान ध्यान ब्रेथ्स कर रहे हैं सेवेंटी टू ब्रेथ में पूछ लीजिए मास्टर से पूछ लीजिए इस विषय में मेरा बुद्धि कितना स्थिर है मुझे दिखाइए मेरे अंतकरण में मेरे बुद्धि का तो कितना है मुझे दिखा दीजिए ऐसा कौन जो जिस विषय में आपको अपने आप पर थोड़ा डाउट है अंदर तक ये बात गई ऐसा थोड़ा डाउट है तो पूछ लीजिए ड्रीम्स के जरिए हम पता कर सकते हैं हम आज का आज ही चेक कर लेते हैं अगर सपना आई तो वेरी गुड नहीं आई तब तक आएगा जब तक पूछते ही रहना छोड़ना नहीं ठीक है थैंक यू मैम थैंक यू फ्रेंड्स थैंक यू सो मच रेखा मैम आज का सेशन यहाँ खत्म होती है किसी को कोई डाउट्स हो तो पूछ लीजिए समझ में नहीं आए वो भी बता दीजिए मैम सेवेंटी टू ब्रेथ्स क्या हुआ आई डोंट समझ में नहीं आया ये नहीं... एक मेडिटेशन प्रोसेस है okay. इसके बारे में हमने बहुत सारे सेशंस लिया है आपके ध्यान लहर ग्रुप में भी वो वीडियोस है ड्रीम्स प्रोसेस ड्रीम्स प्रोजेक्ट का कुछ सेशंस है प्लेलिस्ट भी है एक बार वो वो, वो प्लेलिस्ट एक बार सुन लीजिए तब पता चलेगा क्यों कैसे ड्रीम्स में जुड़ जाए ड्रीम्स से जुड़ जाए कैसे अपने कर्मों को देखे क्यों देखे ये कैसा पॉसिबल है इस प्रोसेस का महत्व क्या है ये कैसा होता है ये सब कुछ बहुत अच्छी तरह से आ, आ, वंसी सर और अनिरुद्ध मैम सारे मास्टर्स सारे सीनियर मास्टर्स एक एक एक-एक मास्टर के जरिए ये ज्ञान दिया गया था एक बार आप देख लीजिए पूरा सेशन सुन लीजिए तब आपको पता चल जाता है तब कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए ठीक है देखा मैम वो वो लिंक्स आप अपने ग्रुप में भेज दीजिए इस जनवरी में किया था वो सेशन आप ध्यान लहर में नहीं है क्या ये लहर में है मनी मैडम क्या पूछ रहे हैं आप रोज हो रहा है ड्रीम ड्रीम सेशन जो हमारे साथ हो चैनल हमारे कर्म विपाक पूछ रहे हैं वो नहीं नहीं कर्म विपाक के बारे में नहीं सेवेंटी टू के बारे में हाँ। कर्म विपाक अलग सेवेंटी टू ब्र अलग कर्म ज्ञान अलग ज्ञान अलग अलग है वो सब बताते हैं तो ये तो बताऊ वो ड्रीम्स प्रोजेक्ट का जो भी वीडियोस है न वो वीडियोज लिंक है ना आपके चैनल पे प्लेलिस्ट लिंक वो रेनू मैडम पूछ रही है उसको भेज दीजिए हाँ मैं शेयर कर दूंगी थैंक यू मैम ये रेनू जी आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दें तो मैं आपको उसमें सेंड कर तो थैंक यू मैम ये आज का सेशन फिर यहीं पर एंड हो रहा है थैंक यू सो मच थैंक यू मैम थैंक यू मास्टर थैंक यू मैम